देखिए बड़े भाई हमारे हैं, छिड़काव कर रहे हैं इस तरह के प्रेशर से। और ये भाई साहब, ये हमारी रही स्प्रे मशीन। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस मशीन के अंदर क्या है, यानी इसमें मोटर कैसी लगी है और बैटरी कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम इस पाइप को रिमूव करेंगे, उसके बाद स्प्रे मशीन को हम स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे। इसमें दो स्क्रू लगा है, तो खोलने के बाद हम इसके ढक्कन को ओपन करेंगे। ढक्कन निकालने के बाद ये देखिए हमारी मोटर, ये रही मोटर हमारी 12 वोल्ट की। और ये हमारी 12 एच की बैटरी है, 12 12 है कि 12 वोल्ट की बैटरी है और 12 एम एच की बैटरी है। उसके बाद ये हमारी ये पाइप है, ये अंदर से कनेक्शन आएगा ये डब्बे के अंदर से, और ये बाहर से जाके स्प्रे करेगी मोटर हमारी। और ये हमारी स्विच है ऑन ऑफ, और ये हमारा रेगुलेटर है जिससे मोटर चालू होती है। और ये हमारी चार्जिंग, इसमें चार्जर हमारा लगता है। दोस्तों अगर जैसे हमारे घर में लाइट नहीं है और हमारे पास जैसे पैनल है सोलर है, ये तो हमारा 20 वाट का है, अगर आपके घर में 10 वाट का भी है या 50 वाट का भी है तो उससे भी चार्ज होगा। लेकिन जैसे आपके घर में अगर 50 वाट का है पैनल, तो उससे चार्ज करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटे या 2 घंटे में लगा के निकाल लेना है, क्योंकि इसमें बैटरी हमारी छोटी लगी है और ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम तो ये हमारी बैटरी ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसलिए हम ये छोटा पैनल है तो इससे हम अगर दिन भर भी लगाएंगे 7 घंटे 8 घंटे 5 घंटे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे दिन भर भी चार्ज कर सकते हैं। तो हमें चार्ज करने के लिए चाहिए क्या, इसमें केबल निकला हुआ है जो, और ये आप इसका चार्जर भी ले सकते हैं इसका यहाँ से, या फिर जैसे आपके यहाँ प्रिंटर लैपटॉप कंप्यूटर है तो ये केबल आपके पास आसानी से मिल जाएगा, तो ये केबल आप ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से कट कर दीजिए, जैसे अगर ख़राब भी होगा तो आप ले सकते हैं, या फिर आप केबल आपके पास उपयोग में नहीं है तो उसको भी ले सकते हैं। इसको हम यहाँ प्लस माइनस अच्छी तरीके से चेक करके इसमें जोड़ लेंगे और उसके बाद हम चार्ज में लगाएंगे। के लिए इसको सबसे पहले धूप में लाना पड़ेगा, उसके बाद ये केबल हम इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा चार्ज होने लगेगा। इसको हम धूप में रखेंगे और इसको भी साथ में रखेंगे तभी चार्ज होगा, और ये कनेक्ट हम कर देंगे तो ये हमारा चार्ज हो रहा है अभी। इसको हम 20 वाट पैनल से लगभग 4 से 5 घंटा लगा देंगे तो ये बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारे घर में जैसे अगर इन्वर्टर नहीं है, इमरजेंसी लाइट नहीं है, तो ये हम इसके लिए उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चाहिए 12 वोल्ट का LED बल्ब, और उसके बाद में हम इसको हम कनेक्शन कर देंगे इसमें, तो ये हम केबल लगा देंगे इसमें बैटरी में मशीन में अपने, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा केबल आया हुआ है इससे इस केबल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा रहेगा, ये है माइनस और ये प्लस, तो ये देखिए हमारा बल्ब जलने लगा, ये देखिए। तो इसको हम उपयोग कर सकते हैं रात को अपने घर के लिए, इमरजेंसी के काम में आएगा ये। और हमारा तीसरा है, इसको हम हमारा 12 वोल्ट का DC चार्जर है, अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जैसे आपके यहाँ लाइट नहीं है तो ये आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ये हमारा चार्जर है, इसको हम लगाएंगे इसमें प्लस माइनस चेक करके, तो ये हमारा माइनस है और ये रहा प्लस। इसको हम लगा देंगे अच्छी तरीके से,
ये चार्जर में लाइट आ गई है, और इसके बाद हम लगाएंगे अपने मोबाइल में, ये देखिए। उसके बाद हम लगाएंगे अपना चार्जर, ये देखिए हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, 86% है। और ये हमारा इसी मशीन से, यानी इस मशीन की बैटरी से चार्ज हो रहा है। और ये हमारा चार्जर है 12 वोल्ट का, 2.5 एम्पियर है, और इसी से चार्ज हो रहा है। लेकिन एक और जानकारी दोस्तों, ये बच्चों से दूर रखें, क्योंकि हमारी छिड़काव मशीन है, इसमें हमेशा हम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए इस ये मशीन बच्चों से दूर रखें। बस यही छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।